स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 की पोएट्री का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है आई हो टू दी माय कंट्री। इस पोएम के राइटर हैं सर सेसिल स्प्रिंग राइस। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अब पोएम शुरू करते हैं। आई हो टू दी माय कंट्री All earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love, the love that asks no question। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, ए मेरे देश, मैं तुम्हारा शपथ लेता हूँ, तुम्हारी शपथ लेके कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए सारी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर हो, या मेरे देश, जो मेरे लिए सारी सांसारिक वस्तुओं से ऊपर, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ। इंटायर एंड होल एंड परफेक्ट द सर्विस ऑफ माई लव, मेरी जो प्यार से युक्त सेवा है देश की, वह तन मन धन से है। इन पंक्तियों का भाव यही है कि मैं प्यार से जो देश की सेवा करता हूँ वह तन मन धन से करता हूँ। यहाँ पे इंटायर का मतलब होता है समूचा, होल का मतलब पूर्ण, और परफेक्ट का मतलब भी पूर्ण या संपूर्ण होता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मैं जो प्यार से तुम्हारी सेवा करता हूँ वह तन मन धन से करता हूँ, पूर्णता से करता हूँ। मतलब मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा मन, सब तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है। द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, और यह प्यार कैसा है देश के प्रति? यह वह प्यार है जो कोई प्रश्न नहीं पूछता, बस सब कुछ न्यौछावर किया जाता है। द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, वह प्यार जो हर परीक्षा में खरा उतरता है। दैट लेज अपॉन द अल्टर डियरेस्ट एंड द बेस्ट, वह प्यार जो बलि वेदी पे अपना सबसे प्रिय, अपना सबसे बेहतर, अपना सबसे खास को बलि वेदी पर रख देता है, मतलब बलिदान दे देता है। द लव दैट नेवर फाल्टर्स द लव दैट पेज द प्राइस, वह प्यार जो कभी लड़खड़ाता नहीं, मतलब उसके प्यार में एक मजबूती होती है देश के प्रति, कभी न टूटने वाला प्यार होता है, कभी भी अपने प्यार से डगमगाता नहीं, और वह प्यार जो प्यार करने की कीमत चुकाता है। प्यार करने की कीमत चुकाने से मतलब है कि देश के प्रति प्यार की भावना रखना, या देश की सेवा करना, या अच्छे काम करना, तो अच्छे काम करने के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरा देश के प्रति वह प्यार है जो
प्यार करने की भी कीमत चुकाता है, मतलब अपना नुकसान उठा के भी, सब कुछ निछावर करके भी देश से प्रेम करता है और प्रेम से सेवा करता है देश की। द लव दैट मेक्स अनडॉन्टेड द फाइनल सैक्रिफाइस, वह प्यार जो बिल्कुल ही निर्भीक होकर देश के लिए फाइनल मतलब आखिरी बलिदान भी कर देता है। आखिरी बलिदान से मतलब है कि जब बलि देने के लिए या देश पर न्यौछावर करने के लिए प्राण के अलावा कुछ न बचा हो तो प्राण भी देश के लिए न्यौछावर कर देता है, तो वह प्यार है मेरा देश के प्रति।